हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। कई लोगों के मन में ये धारणा होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, जिसमें बादाम भी शामिल है। उन्हें लगता है कि जो बादाम होते हैं वो गर्म तासीर के होते हैं और उससे कुछ नुकसान हो सकता है बेबी को या फिर मदर को। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये बिल्कुल एक गलत धारणा है। इनफैक्ट बादाम काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, काफ़ी इसके बेनिफिट्स होते हैं अगर आप इसे प्रेगनेंसी में लेते हैं सही मात्रा में और सही तरीके से। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि आपको बादाम कितने लेने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान और किस तरीके से लेने चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि बादाम अगर प्रेगनेंसी में लिए जाते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं मदर के लिए और बेबी के लिए। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसमें विटामिन B9 यानी कि फॉलेट या फॉलिक एसिड भी जिसको बोलते हैं वो मौजूद होता है अच्छी मात्रा में, जो कि आपके बच्चे के जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है यानी कि बच्चे का जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट होता है, उसके नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो बादाम में ये अच्छी मात्रा में मौजूद है। अगर आप इन्हें बादाम को, वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान ही बादाम लेना बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है और बेनिफिशियल होता है, लेकिन विटामिन जो B9 है यानी कि फोलेट जो है वो स्पेशली जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के उनमें बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी डाइट में ये जो तत्व है ये मौजूद हो, क्योंकि उसी दौरान बच्चे का नर्वस सिस्टम, उसका ब्रेन, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डेवलप हो रहा होता है। जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों के दौरान फोलेट की कमी रहती है उन ऐसे बेबीज में और बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, जैसे कि स्पेशली जो एनिनकेफेली होती है और स्पाइना बाइफिडा नाम की जो एक कंडीशन होती है जिसमें बच्चा ऑलमोस्ट अपाहिज होता है, और एनिनकेफेली की कंडीशन में तो बच्चा पैदा होने के बाद ज्यादा दिन सर्वाइव भी नहीं कर पाता है। तो ये सीरियस बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो कि फोलेट की डेफिशिएंसी यानी कि कमी की वजह से होते हैं। तो इस तरीके से बादाम में ये काफी मात्रा में मौजूद होते हैं, तो अगर आप सही मात्रा में बादाम लेते हैं तो आपको इस चीज का भी काफी बेनिफिट रहेगा। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो बादाम होते हैं उसमें डाइट्री फाइबर खूब होता है, और अगर आप इस तरीके की फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो ये आपके जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करता है, यानी कि गेस्टेशनल डायबिटीज होने से आपको बचाता है। यानी कि कुछ महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ही डायबिटीज डेवलप होती है, यानी कि शुगर की बीमारी जिसको आम भाषा में बोलते हैं, जो कि काफी नुकसानदायक होती है मदर के लिए भी और बच्चे की हेल्थ के लिए भी। तो अगर आप बादाम सही मात्रा में लेते हैं तो आप हाई ब्लड शुगर के रिस्क को भी काफी हद तक कम कर देते हैं। इसके अलावा बादाम में जो तत्व मौजूद होते हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है, हाई नहीं होता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आप प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया जैसी जो सीरियस कंडीशंस होती हैं जो बच्चे के लिए काफी नुकसानदायक होती हैं प्रेगनेंसी में, उनसे बच सकते हैं। इसके अलावा जो बादाम होता है वो फैट और कार्बोहाइड्रेट्स में भी रिच होता है, जो कि आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो उसको कम करता है और शुगर लेवल्स को भी कम रखने में हेल्प करता है। इसके अलावा बादाम में आयरन भी होता है जो कि बच्चे की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और उसके हार्ट के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। ये एनीमिया से प्रिवेंट करता है, यानी कि प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं में एनीमिक होने की टेंडेंसी हो जाती है, ये उसको भी उस कंडीशन को अवॉइड करने में हेल्प करता है, आपके अंदर खून की कमी नहीं होती है और जो ऑक्सीजन मदर के ब्लड में से बच्चे के पास जाता है, बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, वो प्रोसेस भी ठीक से हो पाता है अगर आयरन की कमी नहीं होती है आपके शरीर में। बादाम आपकी बॉडी में जो बहुत ज्यादा भूख लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम्स होते हैं उनको भी कंट्रोल में रखता है, जिस वजह से आपको एक हेल्दी वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करता है प्रेगनेंसी के दौरान। बादाम में मैग्नीशियम मौजूद है जो कि बच्चे के बोन और टीथ यानी दांतों के डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। इसके अलावा ये इंसुलिन को और ब्लड शुगर लेवल्स को और ब्लड प्रेशर को भी आपकी बॉडी में रेगुलेट करता है, कंट्रोल में रखने में हेल्प करता है। मैग्नीशियम आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में काफी रिच होता है बादाम, जो कि आपके बच्चे के इम्यून सिस्टम, उसके जो हार्ट डेवलप हो रहा है उसके लिए, उसकी ब्रेन और उसकी आइज के डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा होता है। खास तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जरूरत ज्यादा जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के आखिर के 3 महीने जो होते हैं।
अब हम जान लेते हैं कि कितने बादाम प्रेगनेंसी में खाना सेफ होता है, क्योंकि देखिए आप जानते होंगे कि जरूरत से ज्यादा अगर आप कोई भी चीज लें, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, तो वो नुकसान करेगी। तो उसी तरीके से बादाम का भी है, इसको सही अमाउंट में, सही मात्रा में लेना जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा लेंगे तो उससे आपको इनडाइजेशन हो सकता है, आपका एक्सेसिव वेट गेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कई दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको सही मात्रा पता होना जरूरी होता है। तो 1 आउंस बादाम प्रेगनेंसी में रोज लेना सेफ होता है। 1 आउंस में 23 बादाम आते हैं। एक दिन में प्रेगनेंसी के दौरान आप 23 बादाम खा सकते हैं। आप इसको डिवाइड करके ले सकते हैं, जैसे कि 10, 11 या 12 बादाम आपने सुबह खा लिए, 12 बादाम आपने शाम को खा लिए, इस तरीके से आप खा सकते हैं। इसे खाने का सही तरीका क्या है, कई लोगों के मन में डाउट होता है कि कच्चे बादाम खाने चाहिए या फिर इनको पानी में भिगो के खाना चाहिए, क्या ज्यादा बेटर रहता है। तो यहां मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसको, बादाम को अगर आप रात भर भिगो के फिर सुबह जो उसका छिलका होता है उसको पील आउट करके हटा के उस पोर्शन को जब आप खाते हैं, बादाम को इस तरीके से खाते हैं, तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। एक तो रात भर जब आप बादाम को भिगोते हैं तो इसके छिलके में से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और जब ये भीगा रहता है बादाम तो ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, यानी कि आपको इसे डाइजेस्ट करना ज्यादा ईजी हो जाता है, आसानी से पच जाता है। तो इस तरीके से आप 23 बादाम रोज के प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं। रात भर भिगोने के बाद छील के आप इन्हें खा सकते हैं। 23 एक साथ मॉर्निंग में लेना जरूरी नहीं है, आप थोड़े सुबह, दोपहर या शाम इस तरीके से भी खा सकते हैं, जैसे आपको सूट करे आप उस तरीके से बादाम खा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि बादाम जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होता है, जो कि मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगर हम एक संतुलित मात्रा में बादाम प्रेगनेंसी के दौरान लेते हैं तो ये मदर और बेबी दोनों को ही काफी फायदा पहुंचाता है। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको इसी तरीके से सबसे पहले मिलते रहे। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली ₹59 पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।